सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जेडीयू आरजेडी में बीच बचाव के लेकर कूद पड़ी हैं। सोनिया ने थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार और लालू यादव से बात की। तेजस्वी को लेकर नीतीश ने अपना रुख सख्त कर लिया है। नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी पाक साफ होने तक पद छोड़े। तो अब इसमें बीच बचाव के लिए कांग्रेस कूद पड़ी है और यह तकरार अब भी जारी है। तेजस्वी के इस्तीफे पर नीतीश अड़ गए हैं। उनका कहना है कि अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसी सूरत में वो खुद इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के हवाले से सभी जानकारी मिल रही है। नीतीश का यह भी कहना है कि जब तक पाक साफ खुद को साबित नहीं कर देते हैं तेजस्वी यादव, तब तक वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते। जेडीयू आरजेडी विवाद पर सोनिया गांधी अब बीच में आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि वो लालू नीतीश से फोन पर बात करेंगी। सुप्रिया भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सोनिया गांधी बीच बचाव में उतरी हैं, क्या लगता है उनके बीच में आने से कोई रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि फोन पर भी उन्होंने नीतीश लालू से बात कर ली है। ऐसे में क्या सुलह वाकई हो सकती है या इसकी कोई भी सूरत नहीं दिखाई दे रही? ये कहा जा सकता है कि एक तरह से कांग्रेस ने भी पहल करी है अपनी तरफ से, जो पूरा का पूरा मसला बिहार में हो रहा है उसके ऊपर देखते हुए। सोनिया गांधी की लगभग आधे घंटे पहले नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों से फोन पर बात हुई है। कहा जा रहा है कि उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उस वहां पर मौजूद थे जब वो बात कर रही थी नीतीश और लालू यादव से। और ये कांग्रेस की तरफ से पहल की गई है किसी ना किसी तरह महागठबंधन को बचाने की। ये भी अपील की है उन्होंने सभी दोनों नेताओं से कि कहीं ना कहीं उनको इस समय एकजुट होकर दिखना है पूरे भारत के सामने। और ये जो महागठबंधन बनाने की बात आई थी वो भी नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से थी। और अब जो उन्होंने बात करी है वो यही अपील एक तरह से की है कि किसी ना किसी तरह से दोनों जो नेता हैं वो बैठ के ठंडे दिमाग से कुछ ना कुछ रणनीति बनाएं, जिसके चलते ये पूरा जो मसला बिहार में दिख रहा है, जो बिहार क्राइसिस का जिसे अब नाम दिया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। सोनिया गांधी की लगभग हमें पता चला कि 5 से 10 मिनट तक बात हुई है दोनों नेताओं से, और आधा घंटा पहले ये बात हुई है। और उसको कहीं ना कहीं अपील भी है, ये भी कहा गया कि एकजुट होकर रणनीति बनानी है सरकार को घेरने के लिए आगे पार्लियामेंट जो सेशन है उस पर भी। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो एकजुटता रखना चाहती है, यहां तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तेजस्वी को लेकर बिहार में सियासी घमासान अपने चरम पर है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार तेजस्वी को हटाने पर अड़ गए हैं। अगर तेजस्वी इस्तीफा देंगे तो नीतीश या तो तेजस्वी को बर्खास्त करेंगे या तो फिर खुद गद्दी से हट जाएंगे। तेजस्वी पर आर पार के मूड में नीतीश, तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़े नीतीश, इस्तीफा ना देने पर नीतीश करेंगे बर्खास्त। तेजस्वी एपिसोड पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस का हवाला देते हुए तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने प्रस्ताव दिया है कि जब तक तेजस्वी बेदाग नहीं हो जाते तब तक वो पद से इस्तीफा दें, उनकी जगह पर आरजेडी का ही डिप्टी सीएम होगा। इस्तीफा न देने की सूरत में बर्खास्त करने पर वो मजबूर होंगे। वहीं आरजेडी तेजस्वी के इस्तीफे के खिलाफ है। पार्टी का मानना है कि तेजस्वी बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर नीतीश उन्हें हटाते हैं तो आरजेडी के सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे और पार्टी बाहर से नीतीश सरकार को समर्थन देगी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अगर समीकरण गड़बड़ाया तो नीतीश खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। जेडीयू के सख्त रुख के बाद आरजेडी के सामने दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर एक, तेजस्वी के बर्खास्तगी की सूरत में आरजेडी के सारे मंत्री इस्तीफा देंगे और पार्टी बाहर से समर्थन देगी। दूसरा विकल्प, तेजस्वी खुद पद छोड़ देंगे और आरजेडी से कोई और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान में बयानबाजी भी तेज हुई। कल आरजेडी के विधायक ने 80 विधायकों को दम भरते हुए ललकारा था और आज जेडीयू ने पलटवार किया। आएगा तो हम लोग देखेंगे, राजद विधायक इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लगता है कुछ आप जेडीयू के विधायक के साथ भी तोड़ने की साजिश चल रही है? मैं कभी किसी विधायक को तोड़ने का साजिश नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि तोड़ फोड़ करें। लेकिन आखिर किस स्टैंड पे आप लोग ये खड़ा सवाल उतार रहे हैं? जब जेडीयू इस्तीफा की मांग कर दिया तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा दे देने से ये हमारे दल का मामला है और हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास,
जो हम चाहेंगे वही होगा। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, कोई और नहीं है। हम महागठबंधन के नेता तीनों दलों के वोट से जीत के आए हैं, तो इसलिए जो 80 विधायकों की बात कर रहे हैं, मुगालते में ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें। 2010 में क्या हुआ था, और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा हम सत्ता छोड़ देंगे। महागठबंधन की साख की बात है, इमेज की बात है, जिसके नेता नीतीश कुमार है, जिनका एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम भ्रष्टाचार पर कभी समझौता नहीं करेंगे, अपने लगे हुए आरोपों का जवाब दें, इस तरह की बेतुकी बात करके महागठबंधन का भविष्य को खतरे में न डालें और कार्रवाई करें राजद ऐसे नेताओं पर। बेनामी संपत्ति मामले में तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई केस के बाद से ही बिहार में सियासी पारा आसमान पर है। नीतीश खेमा सुचिता की दुहाई दे रहा है तो आरजेडी साजिश की बात कर रही है। इन सब के बीच बीजेपी लगातार नीतीश को अपने पाले में लाने की जुगत भिड़ा रही है। बिहार में आरजेडी के 80 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के 71 और बीजेपी के 55। ऐसे में अकेले दम पर कोई सरकार बना नहीं सकता। नीतीश को सरकार बचाने के लिए या तो गठबंधन के साथ रहना होगा या फिर बीजेपी का दामन थामना होगा। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं, बालकृष्ण हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रोहित का। रोहित, आर पार की इस लड़ाई में नीतीश जाएंगे या फिर तेजस्वी? रोहित से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बालकृष्ण हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बालकृष्ण, आपसे थोड़ी दे पहले हमने ये खबर दिखाई कि सोनिया गांधी बीच में हस्तक्षेप कर रही है, उन्होंने फोन पर लालू और नीतीश दोनों से बातचीत की, क्या कुछ सियासी फायदा उन्हें नजर आ रहा है इसमें कि अगर महागठबंधन बरकरार रहता है तो? देखिए, कांग्रेस ये पूरी तरह से चाहती है कि ये गठबंधन बना रहे, क्योंकि उनको डर है कि गठबंधन टूटने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस तो ये चाहती है कि गठबंधन हर हालत में बरकरार रहे। अपनी तरफ से कांग्रेस ये कोशिश भी कर रही है, लेकिन मुश्किल कांग्रेस के सामने ये है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को उनको खुद नहीं बर्खास्त करना पड़े, वो खुद से इस्तीफा दे दें, जिसके लिए ना तो वो तैयार हैं ना ही लालू यादव तैयार हैं। नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस इस बात का दबाव बनाए लालू यादव के ऊपर, सोनिया गांधी इस बात का दबाव बनाए कि वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा करवा दें, लेकिन इस पर कांग्रेस इस अभी तक की जानकारी के हिसाब से कांग्रेस ज्यादा दबाव बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश को खुश करने के चक्कर में लालू यादव नाराज हो जाएं। लालू यादव जो है वो कांग्रेस के साथ, उनका साथ बहुत लंबा रहा है, और लालू यादव को नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार के जो रंग हैं, तेवर हैं, उसको देख करके कांग्रेस ये भरोसा नहीं कर पा रही है कि क्या वो कितने दिनों तक इस खेमे में, यूपीए के खेमे में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिलकर, राहुल गांधी मिलकर लालू यादव को ये बात समझाएं कि तेजस्वी का इस्तीफा जल्दी से जल्दी हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बालकृष्ण। और बात करेंगे सबसे खतरनाक साजिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने से वहां हड़कंप है। 2 दिन पहले मिला पाउडर खतरनाक विस्फोटक निकला, जिसे मेटल डिटेक्टर भी नहीं पहचान सकता। इस बड़ी चूक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था पर खुद ही कई सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेकिंग के दौरान जो विस्फोटक मिला है वो PETN है, जिसकी मात्रा 150 ग्राम बताई जा रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये विस्फोटक बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद इसे फोरेंसिक लैब में भेजा गया जांच के लिए, और PETN विस्फोटक मिलने की इसके बाद ही पुष्टि हुई। नेता प्रतिपक्ष की सीट से 5 से 7 मीटर की दूरी पर PETN ये विस्फोटक पाया गया, जिसकी मात्रा 150 ग्राम बताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाश और पुलिसकर्मियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया है। ये मुठभेड़ कहां हुई और कैसे, देखिए। आधी रात को पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। कभी पुलिस खुद को बचाती, कभी बदमाशों पर फायर करती। बदमाशों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग। मुठभेड़ की तस्वीर लाइव।
मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। रह रहकर बदमाशों की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं और गोली का जवाब गोली से देते हुए हथियार बंद पुलिस वाले बदमाशों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बदमाश पुलिस को चकमा देने की भरपूर कोशिश करते रहे, मगर पुलिस कर्मियों ने तय कर लिया था कि बदमाश हाथ से जाने नहीं चाहिए। इस मुठभेड़ का हश्र क्या हुआ वो बताने से पहले ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। देखिए, ये तमंचा बदमाशों का है, ये बुलेट इसी तमंचे की है जिसका निशाना ये पुलिस वाले ही थे, और ये लहू उन्हीं बदमाशों में से एक का है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से, जहां बाढ़ में SDM बह गए। हादसा कुशलगढ़ के नजदीक हुआ जब नाला पार करते वक्त जीप वहां बह गई। इस हादसे में दो अधिकारियों की मौत हो गई, दोनों का शव बरामद कर लिया गया है। ड्राइवर जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन SDM RD मीणा का कोई पता नहीं चला है। SDM की तलाश के लिए इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कुशलगढ़ में नाला पार करते वक्त ये हादसा हुआ जिसमें SDM की जीप बह गई। मेरा तो अभी रिकवर हुई है, लेकिन उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। जिस पुलिया से बोलेरो गई थी उसके किनारे किनारे सर्च ऑपरेशन जारी है। इसमें साफ पुलिस अभी मौके पर सारे लोग लगे हुए। सर, कितने लोगों के बहने की जानकारी? ड्राइवर और वही थे, ड्राइवर तो बच गया है।